नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राशि सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं ताजा खबर की ओर। मसूर भावरी ग्राम में एक दर्दनाक हादसा हो गया। पिकअप चालक की लापरवाही से ग्राम मसूर भावरी में ही रहने वाली आकांक्षा भलावी उम्र 10 वर्ष जो एक पिकअप वाहन चालक की लापरवाही से दर्दनाक मौत का शिकार हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया गया कि ग्राम पिपरिया के गाड़ी मालिक प्रदीप लखेरा की पिकअप अनियंत्रित होकर रोड छोड़कर आकांक्षा जो कि साइड में शोल्डर पर खड़ी हुई थी, उसी वक्त प्रदीप लखेरा की पिकअप गलत साइड पर आकर बच्ची को टक्कर मारी और बच्ची गाड़ी में फंस कर काफी दूर पिकअप के नीचे ही फंसी रही और आकांक्षा की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। बताया गया कि आकांक्षा और उसकी बड़ी बहन अन्य साथियों के साथ शादी से लौट रहे थे और अपनी उचित साइड में ऑटो चालक ने उतारा। आकांक्षा अपनी साइड शोल्डर के पास खड़ी थी, तभी पिकअप के द्वारा अनियंत्रित दिशा से आकांक्षा को टक्कर मार दी। पिकअप वाहन चालक मौके से फरार हो गया। वाहन चालक प्रदीप लखेरा पिपरिया का है। तत्काल सूचना प्राप्त होने पर एएसआई रमाकांत पटेल और आरक्षक मनोज मिश्रा थाना किंदरई ने तत्परता दिखाते हुए वाहन को जब्त कर मामला पंजीबद्ध करते हुए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए घनसोर भेज दिया और कार्रवाई अभी जारी है। ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। ठीक, मैंने कहा यहाँ एक हाँ बच्चे का जो एक्सीडेंट हुआ है, क्या नाम है उसका? आकांक्षा भलावी। आकांक्षा भलावी जी। कितने साल की? 10 साल की। और उनके पिताजी? उनके पिताजी महेश भलावी। तो क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे सर हम लोग रोड क्रॉसिंग करके यहाँ पे खड़े थे, इधर से बोलेरो पिकअप आई इधर से और यहाँ से उसको ठोक के और इधर से निकल के चले गए। और ये लोग कहाँ से आ रहे थे? ये लोग इधर से पनवा से शादी से आए थे सर, और इसके बाद उतरे यहाँ पे, आ गए बच्ची और उसकी बड़ी वाली बहन। हाँ। और उधर से बोलेरो पिकअप आ रही थी और इधर से ठोक के और चले गए। मतलब बोलेरो वाला, उसको जानते हो? उसको जानते हो? कुछ पता चला कौन था वो पिकअप वाला? सर पता चला है सर, उधर का लखेरा बोल रहे हैं सर, पिपरिया का लखेरा। पिपरिया का लखेरा है ना जी, ऐसे बता रहे सर, पिपरिया का लखेरा था।